ऐसा भारत हो जिसमें गरीबी ना हो, जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो। ऐसा भारत हो जिसकी युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़े हो, जिसके युवा समय से दो कदम आगे चलते हो। ऐसा भारत जिसकी विविधता और अधिक उज्जवल हो, जिसकी एकता और अधिक अटल हो। दो हजार 47 में देश जब इस सच्चाई को जीवंत करेगा तो निश्चित रूप से उस भव्य निर्माण की नींव का अवलोकन और आकलन भी करेगा। तब तो आज़ादी के अमृतकाल की इस प्रथम बेला को एक अलग आस्था के साथ देखा जाएगा। इसीलिए आज अमृतकाल का ये समय, ये कालखंड बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार को, देश के लोगों ने जब पहली बार सेवा का अवसर दिया तब सबका साथ सबका विकास के मंत्र से हमने शुरुआत की थी। समय के साथ इसमें सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भी जुड़ा गया। यही मंत्र आज विकसित भारत के निर्माण की प्रेरणा बन चुका है। विकास के ये कर्तव्य पथ पर चलते हुए मेरी सरकार को कुछ ही महीने में 9 वर्ष पूरी हो जाएगी। मेरी सरकार के लगभग 9 वर्षों में भारत के लोगों ने अनेक सकारात्मक परिवर्तन पहली बार देखे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि आज हर भारतीय का आत्मविश्वास शीर्ष पर है और दुनिया का भारत को देखने का नज़रिया बदला है। जो भारत कभी अपनी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था, वही आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है। जिन मूल सुविधाओं के लिए देश की एक बड़ी आबादी ने दशकों को तक इंतजार किया, वे इन वर्षों में उसे मिली है। जिस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम कभी कामना करते थे वो इन वर्षों में देश में बनना शुरू हुआ है। आज भारत में ऐसा डिजिटल नेटवर्क तैयार हुआ है जिससे विकसित दिशा में देशों में प्रेरणा ले रही है। बड़े बड़े घोटालों, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की जिन समस्याओं से देश मुक्ति चाहता था वो मुक्ति अब देश को मिल रही है। पॉलिसी पैरालिसिस के चर्चा से बाहर आकर आज देश की पहचान तेज विकास और दूरगामी दृष्टि से के लिए गए फैसलों के लिए भी जाने जाते हैं। इसलिए हम दुनिया की 2वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पर पहुँच गए। यही वो नींव है जो आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण के आत्मविश्वास को बुलंद करेगी। माननीय सदस्यगण, भगवान बसवेश्वर ने कहा था, कायकोबे कैलाश, अर्थात कर्म ही पूजा है, कर्म में ही सिद्ध। उनके दिखाई मार्ग पर चलते हुए मेरी सरकार राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य को पूरा करने में तत्परता से जुटी है। आज भारत में एक स्थिर, निडर, निर्णायक और बड़े सपनों के लिए काम करने वाली सरकार है। आज भारत में ईमानदार का सम्मान करने वाली सरकार है। आज भारत में गरीबी को स्थायी समाधान और उनके स्थायी
सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली सरकार है। आज भारत में अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर काम करने वाली सरकार है। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।